मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने शासन की प्राथमिकताओं में शामिल निर्माणाधीन ऑडिटोरियम, शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कार्य की भौतिक प्रगति की जानकारी प्राप्त की। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने ऑडिटोरियम के निरीक्षण के दौरान पाया कि कार्य की भौतिक प्रगति 60% है। मंडलायुक्त ने शेष 40% कार्य को 3 माह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने बताया कि यहाँ 87 लेबर कार्य कर रहे हैं, सभी लेबरों को कार्य स्थल पर ही रखा जाए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और उन्हें साबुन से हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जागरूक किया जाए। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि यदि रॉ मटेरियल में कोई कठिनाई आ रही हो तो अवगत कराया जाए ताकि उसका निराकरण कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूर मंडल के ही जनपदों से बस भेजकर मंगाए जाएँ, अन्य प्रांतों से नहीं। इसके बाद मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि ड्रेन की खुदाई का कार्य प्रमुखता के आधार पर पूरा करें। मंडलायुक्त ने कहा कि 50% से अधिक मजदूर अभी न लगाए जाए और रॉ मटेरियल भी अधिक न मंगाकर आवश्यकता के अनुसार ही मंगाया जाए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त विकास आयुक्त, एडी हेल्थ, GM राजकीय निर्माण निगम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, 30 मिनट का काम है, इंफ्रारेड थर्मामीटर सबके पास में है, वो ले जाके उससे चेकिंग करा ले। अभी यहाँ पर लेबर की चेकिंग नहीं हुई होगी, टेम्परेचर इक्वल चेकिंग होती है, सब करते हैं। टेम्परेचर नहीं आने दीजिए टीम को, टीम आएगी तो उससे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, कितने लेबर है यहाँ पर? 87 सर कहते हैं। 87 है तो बहुत होता है, एक बार लाइन से लग के वो डॉक्टर की टीम को आना पड़ा। तो आप ये चारों सीढ़ियों को फोन करिए। तो आपके टोटल लेबर तो यहाँ पर 400 थे, यहाँ पे सब लेबर हमारी खरीद से 250 की दे सकते हैं, मगर जो इनकी बाहर के लेकर वो तो रुक गए, जो लोकल आगर गुना थे वो जो है सब वो तो भाग गए होते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ की लेबर है, कौन है यहाँ पर कॉन्टेक्ट? क्या नाम है आपका? बोरनार। तो वो ले बिहार वगैरह जो दूर जो लोकल लेबर थी वो कहाँ की थी? मुझे तो देवरिया वगैरह। तो क्यों नहीं उनसे कांटेक्ट करते हैं और एक बस भेज दीजिए, वो सारों को लेके चली आएगी। अरे कहते हम लोगों ने कई बार कॉल किया मगर वो दूसरे जिले की पुलिस जो है कहते रोक दे रही है। अरे भाई आप क्या बात, आप उनको JDC साहब को नंबर दीजिए ना अपनी बस का, कैसे रोक देगी? हम किस लिए खड़े हैं? दूसरी दिक्कत साहब, हमारे पास मटेरियल की आने वाली है। आपका परीक्षण मोदी साहब कल तक में होता है, वहाँ की 4-2 सदस्यीय टीम आएगी उनको पता है। और यदि किसी को भी सिम्टम हो जो हो उसको तुरंत अलग करके मदद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फेज वाइज में काम किया जाए और अगले 7 से 10 दिन में आपका काम मतलब 1 मई से बिल्कुल स्पीड अप पकड़ ले, क्योंकि ये तो हमें इनॉग्रेट कराना था ना जुलाई में। हाँ, उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हर प्रोजेक्ट को हम 2 महीने बढ़ा देंगे, हमें दिन रात काम करके जो नुकसान 1 महीने का हुआ है लगभग उसको हमें कंपनसेट करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आता है वहाँ का नाम पता और ट्रक नंबर वो हमें चाहिए, जहाँ से आपके मजदूर आते हैं वहाँ। अब इसमें जो है दिक्कत ये थी कि इसको अभी ये धरातल से कितना है? अभी सर ये जो है कहते हैं ये जो हमारी वो बनी दीवार बनी इससे 3 मीटर है। दीवार आपकी ये आएगी ना? हाँ, ये इसके ऊपर मट्टी आएगी। अच्छा, जिसको कि आपने उस दिन मीटिंग में कहा था कि दीवार जो आएगी ये आएगी। हाँ जी, यहाँ से क्या मिट्टी भर के ऐसे डालेंगे? यहाँ से नहीं सर, इस दीवार के अंदर। इस दीवार के अंदर से क्या करेंगे? इस दीवार के अंदर से ऑनलाइन स्केटिंग का काम होगा। रेस करते जाएंगे कि मिट्टी भराई के ये मिनिमम हाइट होनी चाहिए। नहीं नहीं, रेस किस साइड करेंगे? उस साइड पीछे की साइड। वो डिज़ाइन है आपके पास? यहाँ निकाल दो। निकाल तो आप ये कहना चाहते हैं उससे मिट्टी भराई से ये जो अंतर है ये और कम हो जाएगा? तो हम उसको जो है कहते हैं जितना ये रेस करेंगे उसके हिसाब से कम करेंगे। लेकिन आपके जल्दों के लिए तो कोई नुकसानदायक नहीं है।
इसके ऊपर कोई मूर्ति या जो भी अपेक्स पॉइंट बन जाएगा सर चारों तरफ, तो ये ऐसे करके जाएगा, मतलब वो पब्लिक उस पे नहीं जाएगा, जाएगा एक एक फिट का, केवल वो शो के लिए करते हैं कि बाहर पे दिखे। यार आप इसको यदि ऊंचा ना करो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो वायर से बहुत कम जी सर, मतलब इसकी ऊंचाई को हम घटा देंगे, घटा देंगे जिससे कि वो हो जाए, वो ठीक है यार, वो करना पड़ेगा। अब आप उन आप ऐसा करें, उत्तर प्रदेश के जनपदों में जहाँ से आपके श्रमिक आते हैं सर, फेज वाइज आगे आगे जाइए, इनको बताओ क्या समस्या है क्या नहीं। बहुत ही प्रगति आपकी तो 90% होगी यहाँ पर। हाँ सर, आपने कहा एक सुधारना, तो मैं बोलेंगे 20-25 दिन कम करें, और आपको भी बोलेंगे 10 दिन कम करें, धीरे धीरे पिकअप करना पड़ेगा लेबर, और जो आपका मेटेरियल फंसा है अगले 15-20 दिन के लिए जो लेबर और मेटेरियल चाहिए वो आप बताइए, वो फिर हम लोग मंगवा देंगे। तो हमें इसको मई में तो समेट के देना पड़ेगा, यदि आप मई में नहीं दे पाओगे तो फिर वो कैसे कर पाएंगे, फिर तो अगला साल आ जाएगा। हाँ उधर वाली लैंड कितनी हो गई है सर, ये वाली जो है उधर वाले सर 50% हो चुकी है। अभी आप हलम कितना कहना पड़ता है, फिर इनके जितने प्रोजेक्ट हैं, देखिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए पहले, बाकी में जरा रुक जाइए। वही प्रोजेक्ट से ज़्यादा अभी जोर इस बात पर है कि फेज़ मैनर में हमारे जो बहुत प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट हैं उनकी आरंभ हो, और ये जो भी आरंभ होना है ये पूर्णतया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनके अंतर्गत होगा। इसमें स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मज़दूर जो भी यहाँ पर श्रमिक हैं उनका पहले दिन स्क्रीनिंग हो जाए, उनकी चेकिंग हो जाए, और उसके बाद हम लोगों ने निर्देशित किया एडी हेल्थ साहब हैं कि चारों जनपदों में जो ये हमारे श्रमिक हैं इनका हर तीसरे चौथे दिन पर मेडिकल चेकअप होता रहे, साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र हो, साबुन से हाथ धोना बहुत ही प्राथमिकता और उसको बार बार बताने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ फिर हम 40-50% जो भी लेबर निर्देशों के अनुसार अलाउ हैं उनको यहीं पर रखें, उनको ला के यहीं पर रखें, सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए विकास कार्य को आरंभ करें। सर कब तक उम्मीद होएगी? काम तो चल रहा है, देखिए आपने देखा होगा वहाँ भी काम चल रहा है, दोनों जगह पर काम चल रहा है। लेबर अभी इनके 20-25% हैं जिसको थोड़ा सा 10-15% और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और फेज़ मैनर में चीज़ों को आरंभ करें।